दोस्तों आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं लव स्टोरी नेम आर्ट वाले वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आप इस तरह के नेम आर्ट वाले वीडियो किस प्रकार एडिट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से इन्वेस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इमेज का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्क्रीन पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में कर देना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सेकेंड वीडियो का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, इसे भी फुल स्क्रीन में कर देना है, लास्ट पॉइंट पे आ जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद जो आपने वीडियो सेलेक्ट किए थे उस वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे ब्लेंडिंग का, सिंपल आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले कर देना है। अब वीडियो आप प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको सेकेंड वाले वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं कलर एडजस्टमेंट, सिंपल इस पर क्लिक करना है और इस दोनों ऑप्शन को लास्ट वाले को ऊपर की तरफ आपको कर देना है। अब देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे 0.5 या 0.6 के आसपास आना है, लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे आना है और इसके बाद जो भी आपका नाम है उसके आपको स्टार्टिंग का वन लेटर लिख लेना है। तो सिंपल मैं एस कर देता हूँ, सॉरी एम कर देता हूँ। इसके बाद मैंने ओके कर दिया, उसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह से लेटर वाले पे क्लिक करना है और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ। इसके बाद इसे आपको कुछ इस तरह से बीच में एडजस्ट कर देना है। इसके बाद डबल ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फाउंट देखने को मिल जाएंगे, तब किसी भी एक फाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको ये सब फाउंट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको काइन मास्टर स्टोर है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसका आपको कलर चेंज करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इसे हम आउटलाइन देना है तो हम यहाँ पे आउटलाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आउटलाइन में आपको यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद डन करेंगे, फाइनली हम वीडियो प्ले करते हैं। सॉरी, टेक्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन में आना है और इसे आपको फेड दे देना है। अब वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, इसके बाद ओवरले पे आना है, नीचे हमें एक फॉग इफेक्ट ऐड करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। आपके काइनमास्टर में इस ये फॉग का ऑप्शन नहीं आएंगे, सिंपल नीचे की तरफ आना है, गेट मोड पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाता है तो नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया हूँ, इसे आपको कुछ इस तरह से नीचे की तरफ आपको एडजस्ट कर देना है। अब फाइनल जब प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है, यदि आप कोई एक्स्ट्रा साउंड ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपल इस वीडियो में ओरिजिनल साउंड जितने भी है साउंड को आपको म्यूट कर देना है सारे वीडियो को। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और जिस वीडियो का आपको साउंड ऐड करना है सिंपल आपको उस वीडियो को टिकटॉक से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैंचे के निशान पर क्लिक करना है, इस ट्रैक आइडो करना है, वीडियो पे क्लिक करेंगे इसे डिलीट कर देना है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे आइडो फेड आउट ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।